हाउस ब्लिन शईीम बिशमिल्लिम्स अल्लमकम वरम तबरक नाज़ीन आप देख रहे हैं रमादान मबारक की खसूस ट्रांसमिशन जमाल रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बानामा मोहम्मद काशिफ़ मदनी नाज़ीन सबसे पहले स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियात तश्रीफ़ फरमाएँ आपका तारफ़ करवाता चलूँ मेरे साथीम मजहबी इसकॉलर इज्ज़त माँ आप जनाब अब्दसबूर फ़हीम साहब तशीफ़ फरमाएँ आपको खुश आमदीद कहूँगा असल आलक वरमत ला तबरक वा आपके साथ खुशबू ख़ालिद वसन हजूर आई सला वसलम की खूबसूरत नात पढ़ने वाले मेरी मुराद इज्जत माँ आप क़ारी इश्याक़ साहब तशीफ़ फरमाएँ आपको खुश आमदीद कहूँगा अल्लामिक रमतल करीम हम सब का और इन बरकत रहमत और वक़ार वाली घड़ियों का सदका हम ही भी और हम पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमाए अज़ीज़ा ने क़दर रमदान मुबारक की बरकत और रहमत वाली घड़ियाँ आपको और मुझे अल्लाह ताली ने मुयसर किए हैं उनसे जितना हो सके फैज़ियाब हों आज का जो टॉपिक ज़र बैस लेकर हाजिर हैं वो नई थी अहम है और आपके और मेरी जिंदगी के अंदर उसका एक अहम किरदार है जिस तरह अल्लाह ताल ने पाँच नमाजें फ़र्ज़ किए हैं इसी तरह अल्लाह ताली ने ज़क़़त को भी फ़र्ज़ किया है लेकिन ज़क़़त की फ़र्जियत के लिए बंदे का साहिब इस्तात होना लाजम है जो साब इस लोग हैं उनके लिए ज़कवा़ फ़र्ज है जो साब इस नहीं है उन पर फ़र्ज़ नहीं है लेकिन ये भी इबादत है और अल्लाह रबुल्ज़त के हाँ ये मकबूल तरीन इबादत है और इस पर गिरफ्त भी है और इस पर पूछताछ भी है आज कबिला से हम अर्ज़ करेंगे कि हमारे सुनने वालों की रहनमाई फरमाएँ कि ज़क़़़़़त किस किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है और कौन सी ऐसी अशियाएँ बंदे के पास मौजूद हों तो उन पर ज़क़़त लाजम आती बिसमीम सल्ह तबीबी ही खजल की महमदी वबारिक मक़ाशिफ़ साहब मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर मुझे भी मदो किया और इस अहम मौजू के ऊपर हम यहाँ पर मिल बैठे और गुफ्तगु कर रहे हैं अल्लाह पाक हम सब को यहाँ आना अपनी बारगाह के अंदर मकबूल फरमाए बहुत ही अहम सवाल आपने किया ज़क़़त किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है और किन किन अशिया के ऊपर फ़र्ज़ है इनशाला इसके ऊपर मैं इस मुख्तसर से वक्त के अंदर अपनी जानब से चांद एक गुजारशत आपके सामीन के समातों की नज़र करना चाहूँगा सबसे पहले तो हमें देखना यह है अज़ीम शान के अंदर अल्लाह करीम ने जहाँ पर नमाज़ का हुक्म दिया वहाँ पर साथ, साथ ज़क़त का भी हुक्म दिया है और नमाज़ के हुम के साथ ज़कवा़त का जो हुक्म है वो अस्सी मरतबा जो है वो ज़क़़त का और नमाज का इकट्ठा हुक्म दिया गया अलग से भी है लेकिन अस्सी के करीब जो है वो ज़क़त और नमाज को मिला दिया गया यहाँ पर पता ये चला कि ज़कवा़त जो है वो अल्लाह करीम ने बंद मोमिन के ऊपर मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ कर दी है जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है अब जिस चीज़ को अल्लाह करीम की जानिब से फ़र्ज़ कर दिया गया हो और उसको अगर उसका बंदा कोई इनकार करे तो कुरान पाक की नस कतयई का इनकार है और जो नस कतई का इनकार करता है तो वो दार इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है निकल जाता है सबसे पहली बात तो हमें समझ आ गई कि ज़क़त का इनकार करने वाला मुनकिर मुनकर जक़ात जो है वो इस इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है एक है मुनकर एक है जो ज़क़ात नहीं देता वो है उसको शरीयत में उस शख़्स को फांसी को फाजिर कहा जाता है दोष दूसरा और तीसरा लेवल वो है कि जो जकवा तो दे रहा है लेकिन उसमें ताखिर कर रहा है तो शरीयत ने इस शख्स को गुनाहगार कहा है कि अगर जकवा देता है लेकिन उसमें ताखिर करा है तो फिर भी वो गुनाहगार है उसने जो उसका मुकर्र वक्त है एक साल उसके निसाब को हो रहा है तो निसाब के साल गुजर जाने के बाद भी अगर उसमें वह ताखिर कर रहा है तो वो शख्स गुनाहगार होगा उसने फर्ज तो अदा कर दिया लेकिन वो गुनागार भी इसके साथ ज़रूर होगा जी बिल्कुल इसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए अब हम अपने आप सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किन किन लोग लोगों के ऊपर जकूआ जो है वो फ़र्ज है और कौन कौन लोग जकवात देंगे तो हम ये एक आम सी बात है और हर शख्स इस मसले को मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से समझ पाएगा हमारे लोगों ने बड़ी उलझन इस मसले की बनाई होती है कि हमारी जकवात हम पर कब वाजिब होगी कब फ़र्ज़ होगी हमने कैसे देनी है और किस किस चीज़ पर है तो आसान सा मैं नुस्खा यहाँ पर आप आप आपकी समातों आप की, की नज़र आपकी विसादत से इस प्रोग्राम की विसादत से नाजर के सामने रखना चाहूँगा सबसे पहले तो हमें जब वो अपने घर के अंदर सोना देखना है कि अगर हमारे पास सड़े सात तोला सोना मौजूद है तो उस पर हमारी जकवात लाजिम आती है फ़र्ज होती है बाज अब आपको ये सवाल होता है कि सोना तो हमारे घर पर है लेकिन वो हमारे ज़ेर इस्तेमाल नहीं हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो घर वाली को जो हमने शादी भी दिया था वो संभाल के रखा हुआ है तो क्या ज़ेर इस्तेमाल सोना ना हो तो क्या उस पर जकवात होगी तो बिल्कुल उस पर जकवात बनती है अगर उस सोने को एक साल हो चुका है तो कम अज कम आपको उसको ढाई फ़ीसद जकवात निकालना होगा एक बात तो ये है यहाँ पर एक बात में बड़ी ख़ास माशा बड़ी अहम तरीन नुकते की तरफ इशारा किया मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अक्सर अबाब ऐसे हैं कि सोना उन्होंने रखा होता है या पैसे रखे होते हैं या कोई ऐसी अशा जिस पर ज़क़ात लाज़म आती है वो अशाएँ रखी होती हैं घर में मौजूद पूरा साल भी गुजर जाता है और कई दफ़ा दो दो तीन तीन साल भी गुजर जाते हैं उनके ऊपर और उनका नज़रिया और अकीदा ये होता है कि हमने बच्चों की शादी करवानी है इस हवाले से ज़रूर नाजरीन की रहन फरमाएं क्योंकि ये मैं अक्सर ये यहाँ पे मैं एक अकली आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा यकीन हर बात हर बंदा इस बात को समझेगा मिसाल के तौर पर कोई शख्स है उसको आज खाना दरकार है और कोई कहे कि हम इसको एक माह के बाद देंगे तो एक माह के बाद को अच्छा सा खाना खिला देंगे कई इस बात को अकल तस्लीम करते नहीं।, नहीं कुरान ने आप के ऊपर जहाँ पर लाजिम की है आपने वहीं देनी है अब नमाज़ को आपने अल्लाह ने आपके ऊपर नमाज़ दिन में पाँच मरतबा फ़र्ज की है अब ये कहें कि मैं साल बाद हाज पर जाऊँगा सारी नमाजें वहाँ पढ़ लूँगा तो तो क्या ऐसे तो आपके सर से फ़र्जियत अल्लाह तो के यहाँ से उठाई नहीं जाएगी आप पे जो फ़र्ज़ है वो आपने वहीं पे अदा करना है जहाँ अल्लाह ने जहाँ पे उसको हुक्म है अब फजर की नमाज़ है तो फ़जर की नमाज़ के वक्त आप इशा की नहीं पढ़ सकते इशा की आए तो मग़रब की नहीं पढ़ सकते हर चीज़ का अल्लाह ने मुकर वक्त रखा है तो ज़क़ात का भी एक मुकर वक्त है तो सोना चांदी आपके घर में अगर मौजूद है आप साहिब निसाब बनते हैं जितना टाइम पीरियड अगर आप एक साल आपको हो चुका है तो आपको एक साल के बाद जकहात देनी होगी ये नहीं कि आपने बच्चों की शादी अगरचे रख लिया है लेकिन वो आपके घर में तो मौजूद है तो अब अगर आपके घर में माल मौजूद है तो उस माल की ज़क़ात देना आपके ऊपर फ़र्ज़ है नहीं देंगे तो आप ये गुनागार होंगे ये बड़ा हम आपने नुकते की तरफ हमारी इस किया अपने प्रोग्राम को लेके इस बात को मैं आगे चलाता हूँ जो मैं बात अर्ज़ कर रहा था उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि दूसरी हमारी जानब से ये होता है कि हमारा माल हमारे पास मौजूद होता है हम साब निसाब भी होते हैं लेकिन जब साल पूरा होने को होता है तो हम अपने बैंक बैलेंस को आगे पीछे कर देते हैं बैंक में अगर हम साब निसाब बन रहे हैं और हमारी ज़क़ात हम पे लाजिम आ रही है तो हम दो चार दिन कबल जो है वो रकम निकाल के आगे पीछे कर दे कि हमने वो दे दी कहीं आगे पीछे कर दी हालांकि ये हम समझते हैं कि हमने बैंक वालों को जो है वो हेरा फेरी करके उन्हें जो हमने अपने चंगुल में फंसा लिया तो वह आलम बिज़ात सदूर अल्लाह आपके दिलों के बेहद को जानता है कि आप आप कर क्या रहे हैं तो अगर आप बैंक वालों को धोखा तो दे सकते हैं अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते तो इस मामले में आपको ज़क़त जो है वो अगर आपके ऊपर लाजम आ रही है तो आपकी हेरा फेरी वहाँ पर नहीं चलेगी आपने जकवात को अदा एक और बड़ी ख़ास बात वो ये कि अगर किसी बंदे पर ज़कवा़त लाजम आ गई और उसको पता ही ना चला या पता चलता भी रहा उसने अदा नहीं की एक साल गुज़र गया दो साल गुजर गए तीन साल गुजर गए अब उसका अक्ल खुल गई और उसे याद आ गया कि वहाँ ये तो अल्लाह का लाजम हुकम है इसको तो मैंने अदा करना है अब जो उसके ऊपर पिछले सालों की मतलब दो साल तीन साल या चार साल या इससे कहीं ज्यादा जो ज़कात इसके ऊपर लाजम रही क्या उसका भी कफारा ये जी करना है? बिल्कुल देखे ना ये तो एक आसान और सहल मसला जिस तरह आपकी नमाज छूट जाती है बालिग होने के बाद आपने नमाज को अदा करना है उसका अदा करना है इसी तरह आपने जो जकवात आपकी छूटी है वो आपने उसको अदा करनी है आपको देखे ना ये तो यही तो कहा जाता है कि हर मुसलमान मर्द औरत के लिए जो लाजम इलम है उस इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ है अगर वो हासिल नहीं करेगा तो वो गुनागार होता है तो आपको जक़ात का जो इलम है आपको उसको हासिल करना आपके ऊपर लाज़िम और फ़र्ज़ था अगर आपने नहीं किया एक गुना तो आपके ऊपर ये है और जो जकवात आपने नहीं ये है गुना भी आपके ऊपर है तो इसको भी आप लोग अदा करना आपके ऊपर लाज़िम और ज़रूरी होगा इन कितनी मेदार में अदा करनी पे अभी देखें अभी आपको अंदाजा तो करना होगा कि आप देखें आप कोई शख्स ऐसा है कि जिसको पता है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है अब वो कितना था और वह हर साल का उसको कलेक्ट करे उसको जमा करे उसमें से डाइफिस निकाल दे आसान सी बात है लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि वो जो वो नेक नहीं थी के साथ और बिल्कुल जो है ना वो आ, मैं समझता हूँ कि साफ दिली के साथ करे कि मैंने इतना रकम थी ये नहीं कि आपकी रकम बीस लाख रुपये थी तो आप कहें जी मैंने तीन साल ज़ुकआत नहीं दी तो वो रकम मेरी पाँच लाख की थी तो उसमें से निकाल लेते हैं ताकि है हम देखते हैं कि कई हमारे माशरे के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ज़क़त फ़र्ज तो होती रही लेकिन वह अदा नहीं करते अब उनके हालात ऐसे नहीं है कि वह वह के काबुल रहे अब ज़कू़़त के काबुल वो नहीं है क्या जो जिन सालों में उनके ऊपर फ़र्ज थी और वह साहिब निसाब भी थे तो अब वो गरीब हो गए अब वो इस हालत मीरे रहे तो अब जो उन्हें अब ध्यान भी अब आ गया कि मैंने तो उदा करनी थी लेकिन अब वो बेचारे अफसोस कर रहे हैं तो उनके लिए क्या उनके हो लिए हो? है कि जब तक वो साहिब निसाब नहीं होते तब तक वो तो ज़कात नहीं देंगे लेकिन जब वो दोबारा साहिब निसाब हों तो उन्हें चाहिए कि वो उस जक़ात जी अदा करें उनका और तोबर इसतफार भी वो लाजम करें क्योंकि हमने पहले मसला बयान कर दिया कि ज़क़ात कबन्ना साहेब निसाब होने के बावजूद भी उसमें तखिर करे तो वो गुनागार होता है जी नाजरीन आपने सुना कि ज़कवात का कितना अहम तरीन मसला है और इस मामले ये बिलखसूस इन शरीयत के मामल को सीखना शरीयत के मसाइल को सीखना हमारे ऊपर कितना लाजम है हमने इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ आ, कारी साहिबान तक मदद कर दिया एक साल में एक दिन हम मंतख कर लेते हैं कहते हैं खैर कोई बात नहीं किसी कारी साहब को कॉल कर लेंगे पूछ लेंगे ये सिर्फ कॉल करके पूछ लेना आपके ऊपर जिवार नहीं बल्कि इसको सीखना और साथ साथ समझना और फिर अमल करना और फिर मुस्तक लोगों तक इसको पहुँचाना ये आपकी और मेरी जिम्मेारी है मैं प्रोग्राम को आगे आ, भी पढ़ाऊँगा मैं कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब से गुजारिश करूँगा कि आप नात रसोल मकबूल सल अल्ला वसलम पेशवर माए बिश्ल ये नजाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये नजाम चल रहा है मुझे भी برابری

रही है और किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं मैदा भूला किसी वक्त बद कि सदा कमें न भूला तह खम में ते खबी लहत में तेरा नाम चल रहा है मुझे, मुझे भी, भी एक मिल रही है, है। और मक्ता कड़ी धूप के सफर में कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम कि तेरे साया ए करम में ये गुलाम चल गुलाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझे वाह 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 खूबसूरत और प्यारे अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीय अकीदत पेश फरमा रहे थे अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम किबला कारी साहब के आवाज़ में अंदाज़ में खूब बरकतियाँ फरमाए। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ मज़ीद एक सवाल हम ऐड करते हैं और लामा साहब के बढ़ते हैं। पूछना ये चाहूँगा कि ज़क़़़़त अदा करने के जिस तरह दुनियावी एतबार से बहुत सारे फ़ायदे हैं जिस तरह ज़कवा़त एक तो आपने ये रहनमई करनी है कि ज़कु़त किन लोगों को दी जाए किन लोगों पर ज़क़़़़़त लगती है और उन्हें फिर किस अंदाज़ से अदा किया जाए और दूसरा जकवात अदा करने के दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ने क्या क्या समरात रखे हैं माशाल्लाह बहुत खूब सवाल आपका इससे कबल जो पहला सवाल था क्योंकि हमारा वो दूरा रह चुका था तो मैं समझता हूँ कि उसको कम्प्लीट कर लिया जाए क्योंकि जो निसाब था ज़कू़त का पहले वो बयान कर लेते फिर आपके सवाल की तरफ इशाला आते हैं कि सबसे पहले तो मैंने अर्ज़ किया था कि आपके पास सड़े सातला तो सोना अगर है तो फिर आपके ऊपर ज़कू़़त फ़र्ज है आपने अदा करनी है अब बसरत दिगर अगर आपके पास इतना सोना नहीं है तो फिर क्या वो शख्स बरी ज़िमा हो चुका है क्या वो ज़ुआत नहीं देगा तो नहीं उसके लिए मसला ये है कि अगर आपके पास साढ़े सात तोला सोना नहीं तो फिर साढ़े बावन तोला चांदी जो है उसको देखा जाएगा अगर उसकी वो मौजूद है तो फिर भी आप साइब हैं अगर वो भी नहीं तो फिर उसके मुताबिक जो रकम है जो असर मौजूद में बनती है वो देखी जाएगी अगर वो है तो फिर भी आप साब निसाब हैं अगर आपके पास इतनी चांदी भी नहीं और साढ़े सात तोला सोना भी नहीं और पैसे भी कम हैं तो फिर आपके सारे माल को देखा जाएगा आपके पास सोना जितना है वो एक तोला है आधा है दो हैं जितने भी है चांदी जितनी भी आपके पास मौजूद है और जितनी आपके पास रकम है और इस सारे माल को मिलाकर अगर आपके उस माल को एक साल बीत जाता है तो, तो उस शरीयत को वो जी... माल पहुंचता है जी जी बिल्कुल हाँ उस माल वो देखा जाए कि असर मौजूद में उसकी रकम कितनी बनती है तो उसके मुताबिक अगर वो माल पहुंचता है तो फिर आपके ऊपर जक़ात लाजि आती है और आपने वो जकत गुजर जी हाँ एक साल का गुजर जाना जक़ात के लिए है। अगर आपके माल को एक साल नहीं हुआ या आठ माह हुए थे और ये हमने कमरी साल देखना है, ये दूसरा जो साल चल रहा है, अंग्रेजी जो साल होता है इसको नहीं देखा जाएगा क्योंकि इसमें डेट्स चेंज होती रहती हैं तो आपने चांद के मुताबिक चलना है तो अगर आपके माल को एक साल नहीं हुआ आठ या दस माह हुए तो माल आपका अगले दो माह में कहीं निकल गया खर्च हो गया कहीं कर्ज चला गया या किसी और मसले में खुदा नास्ता आपको एक्सीडेंट हो गया या किसी और मामले में चला गया तो उस सूरत में आप साब निसाब नहीं रहेंगे अगर सायब निसबा न हुए तो फिर आपको जक़ात लाजम नहीं है आपने फिर जकवात को नहीं अदा करना ये हमें चीज़ देखनी है और माले तजारत भी इसमें आता है क्योंकि माली तजारत के ऊपर भी लोग सवाल करते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है या मेरी पास दुकान है तो क्या उसमें से निकलेगा या नहीं तो वो भी आपको देखें अगर माली तजारत है या ऐसे मवेशी की जो आपने तजारत के नीयत से घर से रखे हुए हैं कि जिसको आपने बढ़ाना है तो आगे फरोहत करना है जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है तो उनके ऊपर भी जकवात लाजि आएगी वो सड़े बावन तोला चांदी इसकी मकदार को देख वो जकवात को अदा करेंगे और आपने ने जो आपका दूसरा और हम सवाल जो आपने किया था कि जक़ात किन किन को देनी चाहिए तो कुराने अज़ीम शाहान ने आठ ऐसे मुसार बताए हैं कि जिनको ज़कात देना शरीयत के अंदर जायज़ है और ज़कात दे सकते हैं उसमें मसाकिन हैं और उसमें जो गुरबा हैं और उसके साथ मुखलफा दिलकलूब कहा जाता है कि जिन लोगों का दिल आप इस्लाम की तरफ़ माइल करने के लिए उनकी मानूसीत को इस्लाम की तरफ़ लाने के लिए आप उनको माल दें ऐसा भी होता है कि कुछ लोग दार इस्लाम में आ जाते हैं और उनके घर वाले उनको इस्लाम को फॉलो या इस्लाम के अंदर दाखिल दायर इस्लाम में दाखिल होने की वजह से घर से निकाल देते हैं तो वो बेसरसामा हो जाते हैं रोड पर आ जाते हैं तो उन लोगों को ज़क़त का माल दिया जा सकता है और उसके साथ साथ जो लोग ज़कवात के हुकूमती सतह के ऊपर जो ड्यूटी कर रहे हैं जो ज़क़ात को कलेक्ट करते हैं जमा करते हैं उन लोगों को आप दे सकते हैं इसमें इसमें आते आते हैं आते हैं और यतीम को भी आप ज़क़ात दे सकते हैं फ़कीर और मस्किन की डेफिनेशन भी आपको देख लेते हैं कि फ़कीर को दी जाए ज्यादा मुस्तक फ़कीर है या मस्किन है तो शरीय ये कहती है कि आप पहले देखें कि अगर मस्किन आपको मिलता है तो आप उसको दें क्योंकि फ़कीर जो होता है ना उसके पास कुछ ना कुछ जरूर होता है लेकिन मस्किन शरीत में उसको कहा जाता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो कुछ भी ना हो तो उसको भी आप दे सकते हैं जो फीस अभी जो लोग अल्लाह की राह में निकलते हैं उनको भी आप जकवात दे सकते हैं और फिर यहाँ पर मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा आपकी से कि आप तो अदा कर रहे हैं तो जो लोग आ, हमारे दीन की खिदमत कर रहे हैं यानी मदारस के तलाबा हैं तो उनको भी आप जकवात लाजिम दें लोगों को पता है तो हमने तो देनी है कि उनको हमने याद रखना होता है कि ये हमारा मुस्कबिल का सरमाया है इन लोगों ने हमारे आने वाले मुस्कबिल के अंदर इस्लाम की शमा को रोशन करके रखना है इन्हीं लोगों की वजह से हमारा इस्लाम जगमगा और यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी तो इनको हमने इनकी फुल सपोर्ट ट करनी है जिस कदर हो सके क्योंकि इनके ऊपर जक़ात लगती है हमने इनके लिए भी ज़कवात अपने माल से निकालनी है वो चाहे उनके हुरदोनोश की अशिया हों या उनके कपड़े हों जिस तरह भी हो हमने उनकी हेल्प लाज़िम करनी है और आपने जो अहम और आखिरी बात की थी कि ज़कवात के जो फ़वाद हैं देखें ज़कवात इबादत जो हैं इबादत दो तरह की एक है बदनी इबादत और एक माली इबादत है बदनी इबादत फ़र्ज़ अदा करना है नवाफिल को पढ़ना है ज़िक्रुल्ला करना है अपने ज़ुबान से जिक्र करना है या अपने कल्प अपने खफी जिक्र करना है ये तो आपकी बदनी इबादत हुई एक माली इबादत होती है और माली इबादत वो ज़क़त से अदा की जाती है और ज़कू़त जो लोग अदा करते हैं अल्लाह करीम उन लोगों के मालों को पाक फरमा देता है।, है और हुजूर ने फरमाया कि जो माल की जो पाकी है वो अल्लाह ने जकवात के अंदर रखी है तुम अपने माल से ज़क़त को निकालोगे तो अल्लाह तुम्हारे माल को पाक फरमा देगा तो गोया पता ही चला कि माल की पाकी के लिए ज़क़त निकालना ज़रूरी है और ये आपकी सारे माल को नजस कर देगी अगर आपने अपने माल के अंदर इसको रखा हुआ और यहाँ पर मैं अहम और बड़ा खूबसूरत जुमला ये देना चाहूँगा कि अल्लाह करीम ने ये जकवात के जो मैंने मुसारफीन बयान किए इन सादात नहीं हैं अगर चाहे वामा में आते हैं वो मसाकिन में आते हैं वो गुराबा में आते हैं वो फ़ीसबी में आते हैं लेकिन आप उनको जक़ात नहीं दे सकते क्योंकि हाशमी खानदान पर हजूर नबी राहत के खानदान परल्ला ने इस जकवात को हराम करके जकात वो नहीं ले सकते और कुरान अज़ीम शान की आयत पाक है इन नमा यूजीबान कुमर रिस वाहबैत वही तो हिररा कुमत अल्लाह करी में इरादा करता है कि आपके अहल बैत को हर किस्म की नजस् और नापाकी से महफूज रखे तो माल जो है माल से जकात निकालना यह ज़क़त जो है नजस होती है तो अल्लाह ने अपने महबूब को और आपके महबूब की आल को इस नजर से पाख रखा है तो इन लोगों को आप ये ज़कवात नहीं दे सकते आप गिफ्ट की सूरत में आप उनको दे सकते हैं लेकिन ज़क़त आप सदात को नहीं दे सकते इसी तरह अगर हम देखें कि जकुवात के साथ साथ जो बंदे ज़कू़़ अदा करते हैं एक तो बड़ी वो इस तरह की एक बात करते हैं कि जिसको भी उन्होंने ज़कूत देनी है उसको बुला लिया दरवाज़े पे खड़ा कर लिया और दस बंदे कैमरा कैमरा लेके वो खड़े होते हैं अब वो वीडियोस बना रहे हैं वो तस्वीर बना रहे हैं अब जाहिर बात है जो ज़कू़़ का मुस्त बंदा है तो अब वो ज़कूत लेते हुए शर्म महसूस करता है इसी तरह एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि का कोई बंदा अगर किसी को ज़ुआत देनी चा, बंदा चाहे और उसको ये कह के दे सकता है कि यह क्या क्या ये कहना लाजम होगा कि हम आपको जक़़ात ही अदा करें या कोई और मोहतात और आ, इस तरह के जुमले अदा करके जिस जिनसे दिलजोई ना हो जिससे वो इनकार ना करे और आप समझते हो कि ये बंदा मुस्तक है खूबसूरत पहलु की तरफ आपने निगाह दढ़ाई मैं पहले आपकी जो बात आपने कही कि लोग अपने दरवाज़े पर बुला लेते हैं और ज़क़़त देते हैं जर से बात, बात है हज़ार बंदे की इज़्ज़त नफ्स भी होती है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है खबर न देखें इस पे मैं यहाँ पर अपनी जानिब से जुमलारस करना चाहूँगा कि हमने भी ऐसे देखे कि बसाओकात जो शराफ़ा होते हैं जो अमीर लोग होते हैं तो जब ज़कवा़ तकसीम करते हैं तो वो ऐलान कर देते हैं कि हमें जकवा़ा तक करनी है अब वो राशन लाते हैं दो सौ बंदे का अब ऐलान हो चुका है और लेने वाले पाँच सौ बंदे आ गए तो अब मैं यहाँ पर इंतहा दर्ज दिल से कहना चाहूँगा उन शुरफ़ात से उन मालिक मालकिन जो मालिक होंगे जक़ात देने वाले चौरी साहब राजा साहब साहब, इनसे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जनाब आप ये बताइए दो सौ बंदे का आप राशन ले आए ऐलान करने के बाद पाँच सौ बंदे आपकी चौखट पर आ गए अब ये बताइए दो सौ बंदा राशन तो ले जाएगा लेकिन तीन सौ बंदे के दुख का मदावा किसने करना वो जिस आज से जिस उम्मीद से आपकी चौखट पर आए थे कि मेरा मेरे घर में मेरा बच्चा भूखा है मेरी जोजा भूखी है मेरी माँ को खाने के लिए रोटी नहीं है उस इस उम्मीद से आए थे कि चौधरी साहब ने राजा साहब ने जकवात तकसीम करनी है तो वहाँ से राशन लूँगा तो तीन सौ बंदा उसके दुख का मुदावा कौन करेगा तो आप ये लोगों की आहें लें आपने जितने लोगों को तकसीम करनी है उनका एस्टिमेट लगाएं हर बंदे को आपको मुझे हर बंदे को पता होता है कि मेरे ख़ानदान में मेरे अयजा में मेरे रिश्तेदारों में या मेरे पड़ोसों में कितने लोग जकवात के मुस्तक हैं जी बिल्कुल कितने हाँ हर बंदे को मालूम होता है ये नहीं होता कि मुझे पता ही नहीं है बंदा कि मैं सऊदिया रहा मैं जो है दुबई रहा मुझे पता ही नहीं आप दुबई हैं तो आपके ख़ानदान को पता कट रही है आज के जो दौरे हाजा में अगर हम ये चीज़ देखना चाहें कि ज़क़त का कौन बंदा मुस्तहक है तो वो क्रेना स्टोर बेस्ट है कि आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ जाके वो बुक जिसके ऊपर उसके ऊपर जनाब बेवा ने भी लिखवाया हुआ है जो गरीब गुरबत यकीन उन्होंने लाखों भी के भी साथ वो जनाब वो पैसे दे नहीं सकते अल्लाह हमें पता होना होता भी है और होना भी चाहिए कि हमारे पड़ोस में कितने लोग मुस्क हैं आपको जब पता है तो आप छुपके से जाइए और हुजूर की सुन्नत और हज़ूर के सहाबा की सुन्नत को अपनाइए और वो छुपके से आप चले जाइए शहरी के टाइम दे जाइए तो क्या इससे बड़ी कोई और मैं समझता हूँ कि आपके अल्लाह के हाँ से आपके ऊपर को नहमत हो सकती है कि आप अपनी ज़क़त को मुस्तक तक छुपा के पहुँचा रहे हैं आपने उसकी इज़्ज़ नफ्स को भी मजरू नहीं किया आपने उसकी इज़्ज़ नफ़्स को भी उसका मान रखा उसका पास रखा तो लिहाज अज़ा आप ज़क़ात देते हुए इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें हमने तो ज़क़ात तकसीम करते वक्त लाठी चार्ज होते हुए देखा हुआ है पुलिस की जानब से नहीं जो मालकान होते हैं उनकी जानब से कि लाठी चार्ज हो रहा है जिस बंदे ने आप से ज़क़त लेनी है अगर आप उसको नहीं देंगे तो ज़र सी बात उसने आप अभी को दो चार जुमले कहने ज़क़त आपने दो बजे तकसीम करनी है नौ बजे लाइन आपकी लग गई है आपके घर कोठी के बाहर तो जब आप नहीं देंगे तो फिर लोगों की बदुआएँ आप लेंगे तो ज़क़त बद का नाम नहीं है ज़कवा़त आपकी माल की पाकी का नाम है ज़क़ात अल्लाह के हुक्म का नाम है जब आप बिल्कुल कुर्बत हासिल करने का नाम जब आपने अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है तो उसमें जब आप बुध लेंगे तो फिर ये भूल जाइए कि आपकी ज़क़ात अल्लाह के यहाँ कबूल होती है आप कोशिश कीजिए कि उस रियाकारी से अपने आप को महफूज रखें जब आप रियाकारी से अपने आप को महफूज रखेंगे रिया तो हर मामले में अल्लाह ने फरमाया ना अल्लाह के मबूबू फरमाते हैं कि रिया हर मामले में आपने नहीं करनी लेकिन जब आपने अल्लाह की रिज़ा के लिए कुछ देना है जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि दाएँ से दें बाएँ को ख़बर तक ना हो तो इससे खूबसूरत दीन कोई हो नहीं सकता बिल्कुल ऐसा ही है और मैं बड़ी खूबसूरत बात यहाँ करना चाहूँगा कि जब आप ऐसे मखफी जब सदका या जकवा देते हैं तो आपको तस्किन कल भी महसूस होती है आपको पता होता है यार मैंने अल्लाह की रज़ा के ले दी है बिल्कुल ऐसा ही है आप आपका दिल अल्लाह के नूर से मुनवर होना शुरू हो जाता है तो जब आप ये समझें कि मेरी ठाट हो जाएगी मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी मुआरे में बल्ले बल्ले आप किसी और मैदान में, में जा के कर लें अल्लाह की इबादत में आप बल्ले बल्ले ना करें आपको यही चाहिए कि आप ज़क़ात जब दें तो देने वालों को आप आपने जो सवाल किया था मेरी नज़र उसके ऊपर भी है कि क्या आप जब किसी शख्स को जकवात दे रहे हो तो क्या देना देते वक्त ये कहना लाजिम है कि मैं जकवात दे रहा हूँ नहीं यहाँ पर ज़क़त देने वाले के ज़हन में ये होना चाहिए कि मैं ज़कूत अदा कर रहा हूँ जी बिल्कुल नीयत होनी चाहिए और जो ले रहा है उसको ये ना कहे कि मैं ज्वत दे रहा हूँ वो उसको चुपके से आपने कुछ अल्फाज ना भी कहे और ये कहते कि ये मेरी तरफ़ से गिफ्ट है तो ये इसके लिए इतना काफ़ी होगा जक़ा जी तोहफ़ा भी कह सकते हैं ज़कात के अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं जैसे नमाज़ में हमारा ये अंदेशा होता है कि जब तक हम अपनी ज़ुबान से ऊँची आवाज़ से नीयत ना कर लें तो हमारी नमाज की नीयत नहीं होती नमाज़ शुरू ही नहीं होती कि नमाज के अंदर नीयत तो और शर्त है तो हालांकि शरीय में ये चीज़ नीयत तो दिल के इरादे का नाम है इन नामा लामा लुबिन नहीं तो आप नीयत जब जक़ात की कर लेंगे और देने वाले को आप ना भी कहें कि मैं ज़क़त दे रहा हूँ तो आपके ज़कूत अदा हो जाएगी जी माशा बहुत खूबसूरत और प्यारे अंदाज़ से किबला किबिला साहब आपकी और मेरी फरमा रहे थे वो सवाल जो अक्सर और बेशतर हमारी ज़िंदगी के अंदर यकीन कहीं ना किसी न किसी न किसी मोड़ पर हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी तो यकीन आज आप मुस्तफ़ीज़ हुए अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह दुआए हमें अमल की शादत दे मैं एक दफ़ा फिर कारी मोहम्मद इश्तिया साहब की जानब बढ़ूँगा कि आप सरकारी मदीना सल्ला वम की बारगाह में अपनी हाज़री पेश करें कोई महबूब ना हो गाना कहीं ऐसा कोई महबूब ऐसा कोई महबूब ना ऐसा कोई महबूब ना होगा जो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नसी है सुन कमली वाला बैठा है चटाई पे मगर अर्श नसी है ऐसा कोई महाबू तू हर हर्ष हो मिसाल सबेसरा अ तू चाहे तो हर शब हो मिसाले सबे सरा क तेरे लिए दो चार कदम अल से बरी है तेरे लिए दो चार कदम अर से बरी है जो बैठा है चटा और हर, तो हर एक, एक को मया सर कहा उस दर की गुलामी तो हर एक करा, करा, को मया सर कहाँ उस, उस दर की गुलामी इस दर का तो दरबान भी जिब अमी है उस दर का तो दरबान भी जिब अमी है दिल गिरिया कुना नज़र मदीना आजम तेरा अंदाज़े तलब कितना सी है आज़म तेरा अंदाज़े तलब नसी है अल्लाह जो बैठा है चटाई चट अर्श नसी है ऐसा कोई महबूब वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नाज़ीन आपने नात रसूल मकबूल को सत किया और किबला साहब ने आज के टॉपिक पर खूबसूरत रोशनी डाली यकीन आप इससे मस्तफीज़ होंगे और यकीन आप इससे रिश्त हदायत को हासिल करेंगे नाजीन हमारा प्रोग्राम अखताम पजीर की जान है मैं एक दफ़ा फिर स्टूडियो में मेहमानों का खैर मकदम कहूँगा इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अपनी वनगुम सुरफिया से वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए अल्लाह करीम आपका आना कबूल फ़रमाए और आपका सब सबका सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में क़बूल फ़रमाए और इसे हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए इन श्रा किसी नए प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए असलकम व तबरक